इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई।